यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अमेरिकी कंपनी से 48 करोड़ के विमान खरीदने के मामले पर खट्टर सरकार घिर चुकी है और सरकार का यूटर्न इसे माना जा रहा है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद ये वही सरकार है जिसने कभी जनता का पैसा वेस्ट नहीं करने का हवाला देते हुए विमान खरीदने से मना कर दिया था। वही अब मामले पर सफाई देने के लिए कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा आ गया है और रामविलास शर्मा की माने तो पहले सरकार को विमान की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब सरकार को विमान की बहुत जरूरत है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये सिफारिश उन्होंने ही की थी और सिफारिश में उन्होंने कहा था कि सरकार हर साल जितना पैसा विमान का किराया देने में खर्च करती है, इससे अच्छा तो एक विमान ही खरीद लिया जाए। एयरक्राफ्ट की जरूरत है हरियाणा में। मेरे पास जब ये महकमा था सिविल एविएशन, तब मैंने लिखित रूप से फाइल पर सिफारिश की थी। आज प्रांत के मुख्यमंत्री को, माननीय राज्यपाल महोदय को, और मैंने फाइल के ऊपर लिखा था कि साल में जितना हम एयरक्राफ्ट का किराया देते हैं वो किराया नए क्राफ्ट जितना ही बनता है और प्रदेश हित में ये ठीक रहेगा कि एक नया क्राफ्ट हम खरीद लें।